नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नोटबंदी के 3 साल पूरे हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 8 बजे नोटबंदी की थी। और ये मेरे पीछे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं आरबीआई जो है, आरबीआई का मुख्यालय यहाँ पर है। और आज एक बार फिर से जो है आप देख सकते हैं ये 8 बजे जो जिस तरह नोटबंदी की थी 3 साल पहले, एक बार फिर से लोग यहाँ पर लगे हुए हैं लाइनों में। आप लोग लाइनों में क्यों लगे हुए हैं यार? हमें पैकेट चाहिए 10 का 1। 10 का पैकेट चाहिए जी। तो आप फिर लाइन में लगे हुए हैं नोट निकलवाने के लिए आरबीआई के सामने? नहीं नहीं, मतलब लगे हुए यहाँ पे सर 1 घंटा हो गया। मैं तो 1 घंटा हो गया जी। देखिए अभी भी जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। काउंटर भी बंद कर दिया, कह रहे हैं कि काउंटर बंद हो गया, मंडे आइए आप। अच्छा, 2 घंटे चलाने में लगने के बाद कह रहे हैं काउंटर बंद हो गया, मंडे आइए आप। पति है जो सुविधा मिलती थी फटे नोट के लिए, अब बिल्कुल नहीं रिजर्व बैंक में मिल रही। पहले लिफाफा डाला जाता था, आज लिफाफे के नाम से बड़े नोट सिर्फ 2 बदले जाते हैं। और बाकी धक्के मार के बस समझ लो, धक्के पब्लिक घूमती रहे। सिर्फ 2500 के 2 ही नोट बदले जाते हैं कि एक बदलवा लो और छोटे नोट मतलब कोई बदले ना बदले। और पब्लिक जो पहला सुविधा थी 1% उसमें सुविधा नहीं है 100 रुपये में। हाँ, 3 साल हो गए नोटबंदी को, पहले लाइनों में लगे थे, आज आप पहले नहीं लगते थे? पहले कोई नहीं लाइन में लगता था। 3 साल जब नोट बंद हुए तो एटीएम के बाहर लाइनें लगी थी। हाँ, 3 साल पूरे होने पे आप किस तरह से देख रहे हैं नोटबंदी? फायदा हुआ, नुकसान हुआ, देश को क्या रहा? अब फायदा क्या, गरीब आदमी मर गया है पूरा, लेवल में आ गया पूरा। अमीर तो अमीर हो रहा है, गरीब आदमी मर गया पूरा, 0% हो गया। मैंने तो कह जरूर, और ये समझ लो ये कभी लाइन ऐसी नहीं लगी जो आज लाइनें लग रही हैं। फटे नोट फट जाए बस समझ लो, परसेंट भी घटा दिया और कुछ सुविधा भी नहीं है। पहले लिफाफा मिलता था, हम बदलवाते थे, लिफाफे में डाल देते, अब लिफाफा ना कुछ, सिर्फ 5-7 नोट बदलवा लो, 10 नोट और बस छुट्टी, धक्के खाओ, वो पब्लिक का पैसा 0% हो रहा है। इनमें 3 एंट्री है जो आम, पहले नोटबंदी थे कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कम से कम महीने में 30 दिन जाते थे, आज 3 एंट्री है आज। तो क्या करेगा आदमी, जनता आगे के यहाँ पर है, कम से कम महीने में कम से कम चलो 4-6-10 कर दी जाए हैं, वो महीने में 3 एंट्री है, बोलो क्या करेगा पब्लिक, 4-6 नोट बदलवाने आती है पूरे दिन। नोटबंदी के 3 साल बाद में किस तरह से देख रहे हैं, देश को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, आपको क्या समझ में आता है? बेड़ा गर्क होगा, सत्यानाश होगा। अच्छा, और क्या, क्यों ऐसा लगता है कि बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो गया? सब परेशान रहे लोग, कोई मरगा, कोई गिरगा, कोई चक्कर आ गया, कोई बेहोश होगा, किसी को हार्ट अटैक आगा, दुनिया भर की परेशानी लोगों ने उठाई है और अब तक उठा रहे हैं। जो सुविधा पहले थी अब नहीं है वो। 3 साल पूरे हो गए हैं नोटबंदी को, आज के दिन में 8 बजे नोटबंदी हुई थी, कैसे देख रहे हैं, फायदा हुआ, नुकसान हुआ? 3 साल पहले जहाँ थे 3 साल बाद भी वहीं खड़े हैं। और कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ आपको? देखिए जिसके पास पैसा था उसने सब बदला, लेकिन आम आदमी आज भी लाइन में है, तब भी लाइन में था, आज भी लाइन में है। हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, पैसे के वैसे ही है। हाँ, क्यों, जिसके पास पैसा है उसी को दिक्कत है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ना हमारे पास पैसा है ना हमें दिक्कत है कोई। पति बहू जी, नोटबंदी के 3 साल बाद में एक आम आदमी जो है, आप बताइए, आपको जिस किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, आपको लग रहा है कि फायदा रहा, नुकसान रहा, देश में तरक्की हुई, काम धंधे अच्छे हुए, या वैसे के वैसी स्थिति है? भाई ऐसा नोटबंदी से तो हमें को तो कोई फायदा हुआ नहीं, ठीक है? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। हाँ, और नुकसान क्या हुआ? अब नुकसान तो जो है आगे दिख ही रही है। हाँ, जो वादे किए गए थे मोदी जी की तरफ से वो पूरे हुए? मोदी जी तो टाइम पास करने आए हैं, अपना बेवकूफ बना के वोट लेना है, उनको कुछ नहीं करना। हाँ, उन्होंने सिर्फ करा भी कुछ नहीं है। हाँ, सारी कांग्रेस की पॉलिसियां रही हैं इनकी, सिर्फ एक नोटबंदी ही तो इनकी अपनी थी। हाँ, इसके अलावा जितनी पॉलिसी इनकी रही है, जितने इन्होंने सिस्टम चलाया है, वो सब कांग्रेस के चलाए। जो वादे किए गए थे वो वादे कुछ नहीं करे इन्होंने, सब बेवकूफ बनाया इन्होंने। हाँ, और आज तक वही बनना, कुछ भी नहीं करना, पहले सुनवाई होती भी थी, अब वो भी नहीं है। हाँ, मोदी जी के टाइम में इतना तो हुआ है। हाँ, कि ये नोटबंदी इन्होंने करके अपना कुछ मतलब इशू बनाया, वो भी एक प्रोपेगेंडा था कि इन्होंने नया काम कुछ कर दिया, नया वो भी नहीं था। बाकी है कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं, घूमना फिर रहे हैं, अपना ऐश कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। काला वाला धन नहीं, काला धन भाई तो आपको पता नहीं है, ब्लंडर है एक तरीके से, अपना उन्होंने अपना गेम सीधा किया है। हाँ, कोई मोदी जी नहीं है, कुछ नहीं, अपना गेम सीधा करना था। अच्छा, कोई गेम नहीं है, सिर्फ परेशान करना है। बोल पहले बोल सकते थे, बोल भी नहीं सकते, न्यूज के अंदर कुछ होता नहीं। बोल सकते हैं, आपको क्या लगता है? भाई आपको बोल देता हूँ ना मैं, आप न्यूज हाईलाइट करो ना मेन मीडिया पे, नहीं कर पाओगे आप। आपको लग रहा है कि मीडिया पे भी जो है कब्जा हो गया? लग नहीं रहा है, ऐसा ही है, सबको पता है ये बात, आप मेरे से क्या पूछ रहा हूँ? सब ऐसा ही है, सब ऐसा ही है, कुछ नहीं है, टाइम पास है। अब आप उसको और असर 3 साल का नहीं, 3 साल या बिक जाती है, ऐसा क्यों लग रहा है? ये मैं तो आ नहीं सकती ना आगे, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कर। देखिए तो ये लोगों की जो है, लोगों के अंदर की बात है, ये लोगों के मन की बात है। हाँ, मतलब कैमरा उनको मत दिखाइए। हाँ, 100% बिक जाता है।
बिकती है, हर चीज बिक जाती है। कैमरा मत दिखाइए, कैमरा कैमरा बिल्कुल बिकती है। इसमें जो नोटबंदी करी अरुण जेटली और नृपदा मिश्रा का, इनका सबका तो हाथ था ही, लेकिन उन्होंने सब अपने ही फायदे किए, पब्लिक का कोई फायदा नहीं किया। पब्लिक का कोई फायदा, पब्लिक तो वो पहले ही बोरी पहुंच जाती है कि तू हाँ हो गया पास बस। देखिए ये जो है एक आम आदमी के मन की बात है, और वो महिला जो है वो एक सरकारी पद पर है, और वो कह रही है मेरा जो है चेहरा मत दिखाइए, लेकिन मीडिया जो है वो मीडिया के ऊपर भी सवाल उठा रही है, और उन्होंने कहा है कि नोटबंदी से जो है वो सरकार के कुछ नेताओं को जो है फायदा हुआ है। आर्मी आई है किसी लिए कि अयोध्या पे हमला वो कराया इन्होंने, और उस कॉरिडोर को खोला, वो इस मुद्दे के लिए आई है, इन्होंने बैंक को बंद कर दिया, क्या फायदा हुआ पब्लिक का? हम कितनी देर से 7 बजे से लगे, कोई भाई 11 बजे तक लग गया, कोई 5 बजे तक लग रहा, क्या फायदा हुआ? हम हमारी तो वेस्ट हो गया, 1 बज गया, अब फिर क्या करें, अब बताओ। तो 3 साल पहले जो ATM में लगे थे लाइन में, और आज फिर लाइन में लग रहे हैं, तो आपको नहीं लगा 3 साल में कुछ बदला है, कुछ अच्छा हुआ है? अच्छे ना तो अच्छा तो क्या हुआ, कोई वो हमारे घर नोट फेंक जाता, कुछ नहीं करता, कमाते हैं तो खाते हैं, कुछ नहीं करता। तो देखिए लोग जो है 3 साल पहले नोटबंदी के ATM की लाइन में थे, और आज हम जो है RBI के दफ्तर के बाहर हैं, लोग फिर से लाइनों में हैं। हालांकि ये लोग जो हैं वो अपने नोट जो हैं बदलवा रहे हैं, यानी कि 10 की 20 की जो नई गड्डियां हैं, 100 की 50 की जो नई गड्डियां हैं वो ले रहे हैं, पुराने नोट देकर के ले रहे हैं। लेकिन इनसे हमने यही बात जानने की कोशिश की कि क्या फायदा हुआ, आपको लग रहा है 3 साल में कुछ अच्छा हुआ, फायदा हुआ जो वादे किए गए थे? मैं तो छोटी सी बात हूँ, कुछ फायदा नहीं हुआ। पहली बात तो 2:30 बजे का टाइम है, और 2:45 बजे इन्होंने काउंटर बंद कर रहे हैं यहाँ से। पहले तो इनकी सुनो ये क्या हो रहा, जब 2:30 बजे बोर्ड पे लिखा हुआ, आप बोर्ड देखो तो व्यवस्था नहीं सुधरी। हाँ व्यवस्था नहीं सुधरी, देख लो लोग 2-2 घंटे से लाइन में लग रहे हैं, बताइए। और आप कह रहे हैं तुम जाओ घर पे, ये क्या तमाशा बना रखा इन लोगों ने? आप कब से यहाँ पर है, कितने टाइम से है? मेरे को भी हो गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटा हो गया, आप कब से लाइन में लग रहे हैं? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए, तो आपका नंबर नहीं आया अभी? नहीं अभी नहीं आया, यहाँ नंबर लगा हुआ था, अभी तक नहीं आया। अच्छा तुम घर जाओ। तो नोटबंदी से पहले जब नोटबंदी हुई थी 3 साल पहले ATM की लाइनों में थे, कुछ अच्छा हुआ है 3 साल में? अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। अच्छा आप बताइए भाऊ जी, अच्छा हुआ कुछ 3 साल में जो वादे किए थे मोदी जी ने पूरे हुए? नहीं कोई ठीक है, आप थोड़ा आप आगे भी जाओ, उनसे भी ले लो कुछ न्यूज, उनसे हमने बात की। आगे जो खड़े हैं ना आप दोबारा, ये देखिए ये जो है हालात है। 2:30 बजे तक क्यों नहीं खोल रहे ये बताओ, पहली बात 2:30 बजे बोर्ड पे लिखा हुआ, 2:30 बजे तक एंट्री है। व्यवस्था जो है व्यवस्था नहीं सुधरी है, ये एक बड़ा सवाल है, और एक आम आदमी एक गरीब आदमी के मन में यही बात आती है कि मैं जो है सरकार को चुनता हूँ, अच्छे के लिए चुनता हूँ, ताकि वो सरकार जो है मेरे लिए काम करे, और जो सरकारी व्यवस्था है वो दुरुस्त हो, देश तरक्की करे, मुझे रोजगार मिले, काम धंधा मिले, देश में अमन चैन हो, भाईचारा हो, दंगा ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो, धर्म के नाम पर विवाद ना हो, और देश जो है तरक्की करे। लेकिन नोटबंदी के 3 साल पूरे हो गए हैं, हम RBI के दफ्तर के सामने पहुंचे थे, लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की कि 3 साल में मोदी जी ने जो वादे किए थे नोटबंदी को लेकर के, काला धन वापस आएगा, अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी होगी, मजबूत होगी, नौकरियाँ मिलेंगी, और जो नकली करेंसी वो ख़त्म हो जाएगी, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, तो क्या ये वादे जो है वो पूरे हुए? 3 साल बीत चुके हैं और लोगों ने अपनी राय रखी है, आप भी बताइए आपको क्या लगता है। जिस तरह से 3 साल पहले आप ATM के लाइनों में लगे थे नोटबंदी से पहले, आपको लग रहा है कि नोटबंदी से जो है फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? अपने विचार, अपने आइडियाज जो हैं, अपनी बात जो है वो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी